नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर चुके थे एमपी सामान्य ज्ञान के बारे में, जिसमें हम बात कर चुके थे मिट्टियों के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग सिंचाई के बारे में। मध्य प्रदेश में सिंचाई राज्य में सबसे पहली शताब्दी में चंदेल वंश ने सिंचाई के लिए खजुराहो में तालाबों का निर्माण कराया। सबसे पहली नहर 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई थी। याद रखिए, मध्य प्रदेश में सबसे पहली नहर कब बनी? 1923 में बालाघाट जिले में वैनगंगा नहर बनाई गई। 1927 में ग्वालियर रियासत में पगारा बांध बनाया गया। 1933 में पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में बनाया गया। 1936 में बालाघाट जिले में मुरम नाला का निर्माण किया गया। सर्वाधिक सिंचित जिलों की बात करें, सर्वाधिक सिंचित जिले तो याद रखिए दतिया 66.46%, शिवपुर दूसरे नंबर पे 60.76%, मुरैना 52.96%, ग्वालियर 52.13%। तो याद रखिए सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं? दतिया, सीहोर, मुरैना और ग्वालियर। न्यूनतम सिंचित जिलों की बात करें तो डिंडोरी 0.58%, मंडला 7.26%, अनूपपुर। तो सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? दतिया। और तो सबसे कम डिंडोरी। कुल कृषि रकबे का सिंचित प्रतिशत है 31.28%। कुल बोए गए क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत कितना है? 44%। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सिंचित प्रतिशत कितना है? 43.39%। कुल सिंचित रकबा कितना है? 6,631 हेक्टर, यानी कि 66,31,000। बात करते हैं शुद्ध सिंचित रकबा की, तो ये 6,891 हजार हेक्टर। सर्वाधिक नहर सिंचित जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है उत्तरी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक कुआं सिंचित क्षेत्र कौन सा है? मध्य एवं दक्षिण मध्य प्रदेश। सर्वाधिक सिंचित प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? दतिया। सर्वाधिक तालाब सिंचित क्षेत्र है पूर्वी मध्य प्रदेश। ठीक, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रों की बात करें तो चंबल घाटी उत्तर मध्य प्रदेश, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, बुंदेलखंड क्षेत्र से टीकमगढ़, नर्मदा घाटी क्षेत्र से होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुएं हैं 69%, 69.49%। इसके बाद नहरें द्वितीय स्थान पर 17%, तालाब है तीसरे नंबर पर यानी कि 2.3%। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है मध्य प्रदेश में? पचमढ़ी में 222 सेंटीमीटर, जो होशंगाबाद में है पचमढ़ी। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर। राज्य में नदी बेसन में 81.5 अरब घन मीटर जल है। राज्य में शुद्ध भूमिगत जल की उपलब्धता है 35.3 अरब घन मीटर। सबसे कम भूजल भंडार बुरहानपुर जिले में है। सबसे अधिक संभावित भूमिगत जल भंडार होशंगाबाद जिले में है। राज्य में शुद्ध सतही जल की मात्रा 56.80 अरब घन मीटर है। आगे बात करते हैं राज्य में प्रति वर्ष उपलब्ध सभी प्रकार के जल की मात्रा 91.80 अरब घन मीटर है। राज्य में कुल संचित भूमि 6,714 हजार हेक्टर है 2008-09 के अनुसार, जो कुल कृषि भूमि का 32.3% है। और जिस सिंचाई क्षमता सबसे कम है बुरहानपुर में जिले में, और जिस सिंचाई क्षमता सर्वाधिक है होशंगाबाद जिले में। सर्वाधिक शुष्क सिंचित क्षेत्र है होशंगाबाद जिला 87.3%। सबसे कम है डिंडोरी जिला 0.8
58%। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआ है। राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 45.7% भाग पर सिंचाई होती है। विद्युत पंप सेट का सर्वाधिक प्रयोग मालवा एवं नेवाड़ के मैदानी क्षेत्रों में होता है। भूमिगत जल के निकास का न्यूनतम स्तर मंडला में 5.6%, अधिकतम रतलाम में 117.3% है। राज्य में अत्यधिक भूमि जल का दोहन है इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम जिलों में होता है। इसका कारण इन 5 जिलों में काला जिला इस कारण इन 5 जिलों को क्या कहा जाता है? काला जिला कहा जाता है, सबसे ज्यादा भूमिगत जल का दोहन होने के कारण। डीजल पंपों का प्रयोग मुख्य रूप से चंबल तथा बुंदेलखंड क्षेत्रों में होता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर नहरी सिंचाई तावा परियोजना द्वारा होती है। अन्य स्रोतों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, उमरिया, शहडोल जिलों में होती है। तालाबों द्वारा राज्य में सर्वाधिक सिंचाई बालाघाट जिले में होती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई का संकेंद्रण मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में होता है। कुओं द्वारा सिंचाई पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिक होती है। राज्य में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं की है। गेहूं के 78.7% भाग पर सिंचाई की जाती है। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में होती है, याद रखिए। चंबल घाटी, बालाघाट, बुंदेलखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन नहरें हैं। माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं, ये बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध परियोजना को राजघाट परियोजना या रानीघाट लक्ष्मीबाई सागर परियोजना भी कहते हैं, किस नदी पर? बेतवा नदी पर। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1980 में। विवाद समाधान के लिए कमेटियों की बात करें तो खोसला कमेटी 1964 में बनी। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बना। सैफुद्दीन शोज समिति 2006 में केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी। सुंगलू समिति विस्थापन की समस्या हेतु बनी थी, नर्मदा से संबंधित है, नर्मदा विवाद से संबंधित। तो खोसला समिति कब बनी? कमेटी 1964। नर्मदा जल विवाद पर न्यायाधिकरण कब बना? 1969। सैफुद्दीन सोज समिति कब बनी? 2006 में। और सुगलू समिति कब बनी? विस्थापन की समस्या हेतु बनी थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। तो ये परियोजनाओं का नाम हो गया, नदी हो गया जिस पर लाभान्वित जिलों की है, ये अन्य तथ्य हैं उनसे संबंधित वर्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबल कब बनी, ये 1954 में चंबल नदी पर है। सेवपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मंदसौर लगभग इससे 2.25 लाख हेक्टर भूमि सिंचित होती है। यमुना की सहायक नदी चंबल पर स्थित मध्य प्रदेश राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह देश की दूसरी बड़ी नदी घाटी परियोजना है। फिर हमारी नर्मदा घाटी परियोजना 1984 में बनी। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां 41 सहायक नदियां। नर्मदा के उद्गम से समापन तक संपूर्ण जिले व गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना में लक्ष्य 2600 मेगावाट विद्युत एवं 27.5 लाख हेक्टर सिंचाई क्षेत्र है। वर्गी परियोजना रानी अवंतीबाई सागर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। जबलपुर मंडला सिवनी से लाभान्वित होते हैं। 1.50 लाख हेक्टर सिंचाई क्षेत्र से फिर वर्गी अपवर्तन ये नर्मदा एवं वर्गी नगर है। ये जबलपुर कटनी रीवा सतना इससे लाभान्वित होते हैं। 2.45 लाख हेक्टर सिंचाई होती है इससे भूमि। फिर है जोबट चंद्रशेखर आजाद परियोजना ये हथनी नदी पर है अलीराजपुर में। इससे 9848 हेक्टर सिंचाई क्षमता जल ग्रहण है। अब अगली हमारी अपर बेदा ये बेदा नदी पर है। खरगोन में 99,000 हेक्टर भूमि इससे लाभान्वित है। 533
23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से लाभान्वित सिंचित होता है। सीता रेखा, ये सीता रेखा नदी पर है, छिदवाड़ा के घूमर कैंपधार से लाभान्वित होते। 15 मेगावाट निजी क्षेत्र द्वारा बिजली उत्पादित होती है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, होशंगाबाद जिला से लाभान्वित होता है। 3.33 लाख हेक्टर सिंचाई होती है इससे। हलाली परियोजना सम्राट अशोक सागर पर हलाली नदी पर विदिशा रायसेन से होते हैं लाभान्वित। निर्माण हुआ 1973-74 में। सिंचाई क्षमता है इसकी वर्तमान में 2.47 लाख हेक्टर। वाड़ सागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में रीवा सीधी जिले लाभान्वित होते हैं। देहलोद और शहडोल में बांध है। 405 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। 1.53 लाख हेक्टर सिंचाई होती है। माता टीला बांध की बात करें परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, तो ये बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश के छः जिले, उत्तर प्रदेश के 4 जिले यहाँ माता टीला से लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में 1.16 लाख हेक्टर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में 1.9 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचाई होती है। पेंच परियोजना की बात करें तो पेंच नदी पर है, बालाघाट छिदवाड़ा से लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की ये परियोजना है। 63,388 हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई होती है इसमें। फिर हमारी अगली है, क्या है, पेंच हो गई। बाघ परियोजना, ये बाघ नदी पर है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं। सीमा पर सिरमौर गांव में बांध बनाया गया व महाराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई होगी। वह बावन थड़ी राजीव सागर, बावन थड़ी नदी पर है, बालाघाट मध्य प्रदेश, भंडारा मध्य महाराष्ट्र में ये जिले लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की परियोजना बालाघाट में 29,412 हेक्टर, महाराष्ट्र में 17,357 हेक्टर सिंचाई होगी। इससे काली सरार ये बाघ नदी पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से लाभान्वित हैं। बाघ की पूरक परियोजना है केन बहुउद्देशीय गेटअप गंगो, एक केन नदी पर है, छतरपुर पन्ना इससे लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की परियोजना है अपर नर्मदा, ये नर्मदा नदी पर है, डिंडोरी इससे लाभान्वित होता है। 18,616 हेक्टर से भूमि सिंचित होती है। लोअर गोई, ये गोई नदी पर है, बड़वानी से लाभान्वित होता है। 13,760 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। हालोन, ये हालोन नदी पर है, मंडला में 11,716 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। पुनासा इंदिरा सागर से खंडवा इससे लाभान्वित होता है। 35,008 हेक्टर इसकी सिंचाई क्षमता है। मान परियोजना, ये मानावर धार से लाभान्वित होता है। 15,000 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। ठीक है, फिर है अगली हमारी उर्मिल परियोजना, ये उर्मिल नदी पर है, छतरपुर जिले में इससे लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 60:40 में बटा है, बंटवारा है। सिंगपुर बैराज, ये उर्मिल नदी पर है, छतरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। उर्मिल परियोजना के नीचे प्रस्तावित है। वरना, ये वरना नदी पर है, वाड़ी गांव बांध रायसेन से और इससे लाभान्वित होते हैं। 60,290 हेक्टर में सिंचाई क्षमता है इसकी। भांडेर नहर बेतवा नदी से निकली है, दतिया ग्वालियर भिंड से लाभान्वित होते हैं। 44,535 हेक्टर सिंचाई क्षमता है इसकी। अपर बैनगंगा, बैनगंगा नदी पर है, संजय सरोवर बांध बालाघाट सिवनी से लाभान्वित होते हैं। इसकी सिंचाई क्षमता है कितनी है, इसकी सिंचाई क्षमता 1,03,722 हेक्टर है इसकी। फिर है थावर परियोजना, ये थावर नदी पर है, मंडला जिला इससे लाभान्वित होता है। 18,222 हेक्टर क्षमता है इसकी। कोलार परियोजना, ये कोलार उर्मिल बांध उत्तर प्रदेश नहर निर्माण मध्य प्रदेश द्वारा कराया गया, सीहोर जिला होता है इससे लाभान्वित। सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल को पेयजल की उपलब्धता, 60,887 हेक्टर सिंचाई क्षमता इसकी। माही परियोजना, माही नदी उद्गम धार में, धार और झाबुआ इस पर इससे लाभान्वित होते हैं। दो बांध हैं, दो नहर हैं,
18,517 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी। सुक्ता परियोजना, ये सुक्ता नदी पर है, खंडवा की जलपूर्ति होती है। और 18,583 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है इसकी। सिंध परियोजना, सिंध नदी पर है, शिवपुरी ग्वालियर इससे लाभान्वित होते हैं। 35,200 हेक्टेयर पर सिंचाई है, ग्वालियर नहर की जलापूर्ति करता है। फिर है रन गवा परियोजना, कैन की सहायक नदी है, छतरपुर जिला इससे लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की परियोजना छतरपुर में 16,190 हेक्टेयर सिंचाई होगी इससे। चोरल नदी, चोरल पर है, महू इंदौर खरगोन इससे लाभान्वित हो गए। इसमें 500 हेक्टेयर सिंचित परियोजना है और 9,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई है। देजला देवड़ा परियोजना, ठीक है, बात करते हैं प्रमुख नहरें व क्षेत्रों के बारे में। तो बैनगंगा नहर, ये बैनगंगा नदी पर है, लाभान्वित जिले हैं से बालाघाट महाराष्ट्र का भंडारा जिला। चंबल नहर, चंबल नदी पर है, भिंड मुरैना श्योपुर ग्वालियर मंदसौर नीमच से लाभान्वित होते हैं। हलाली नहर बैदवा नदी पर है, विदिशा रायसेन से लाभान्वित होते हैं। बारना नहर, इस बारना नदी पर है, होशंगाबाद रायसेन सीहोर इससे लाभान्वित होते हैं। तावा नहर होशंगाबाद इससे लाभान्वित होता है। राजघाट बाई तट की नहर ये शिवपुरी गुना दतिया होता है इससे लाभान्वित। राजघाट दाई तट की नहर इससे टीकमगढ़ होता है लाभान्वित। दतिया वाहक नहर इससे दतिया व ग्वालियर होता है लाभान्वित, ठीक है। तो ये था हमारा सिंचाई क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सिंचाई, ठीक है। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में हम लोग जलवायु के बारे में, मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, ठीक है।